चलो भाई क्वेश्चन देखो, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, बेस दिया हुआ है, ये सीडी 6 सेंटीमीटर है, बीडी 8 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड करने को बोला है एबी की लेंथ और एसी की लेंथ निकालो। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो भाई, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, समझ गए? तो मेरी बात सुनो, ये सर्कल है, इस सर्कल पे हम टेंजेंट बना रहे हैं बी पॉइंट से। तो एक टेंजेंट बना बीडी और एक टेंजेंट बना बीई, ये तुम्हारा ई पॉइंट है, ई पॉइंट, ठीक है। एक टेंजेंट बीई बना और एक बना बीडी। बीई और बीडी आपस में इक्वल होंगे, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट बना रहा हूं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। गॉट इट? Similarly, this is 6 centimeter, then this is also 6 centimeter. CD is 6 centimeter, then CF is also 6 centimeter by the rule that explain us kya? Tangent from external point are equal in length. Similarly, मैंने इसको x माना तो ये भी automatically x हो जाएगी। ये दोनों लेंथ बराबर, ये दोनों लेंथ बराबर, ये दोनों लेंथ बराबर। वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। BD is equal to B, CD is equal to CF, AF is equal to A. ठीक है जी? इतनी चीजें डायमेंशन मार्क कर ली। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को यूज करके हम इस ओवरऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक पैरामीटर जिसका नाम है एस। सबसे पहले हम एस कैलकुलेट करेंगे। एस क्या होता है? ओवरऑल साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। तो हमने क्या किया, एक एक साइड लेना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हमने ली 6+x, ये वाली। उसके बाद हमने ली 8+x, ये वाली। उसके बाद हमने ली 6+8, 14। तीनों को प्लस करा, डिवाइडेड बाय 2 मारा, तो 28+2x डिवाइडेड बाय 2 आया। 2 कॉमन लूंगा मैं, देखो ऐसे करेंगे, 2 कॉमन लिया अंदर, 14+x डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, s की वैल्यू आ गई, 14+x तुम्हारा s आ चुका है। इतनी चीज समझ में आ गई? अब मैं चलता हूँ आगे। ये हमने s निकाला, अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। एस की वैल्यू आई है 14+x, हमने 14+x जो है एस की जगह डाला। ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती है, क्लास 9th में हमने पढ़ रखी है। देखो एस माइनस ए, ये तुम्हारा ए है, एस माइन ये एस है, एस माइनस बी ये एस है, एस माइनस सी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। ब्रैकेट खुलेगा, अंदर साइन चेंज होगा, ठीक है, पता है ना, ये तो कॉमन रूल है। बाहर भूत बैठा हो तो सबकी शक्लें बदल जाती है। माइनस सिक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली दिस इज माइनस एट माइनस एक्स माइनस 14, ठीक है जी। एक्स एक्स कैंसल हुआ, इधर भी एक्स एक्स कैंसल हुआ। 14 माइनस सिक्स आपका 8 आया, 14 माइनस 8 आपका 6 आया। इधर एज इट इज एक्स, इधर एज इट इज ये। इसको सॉल्व करा, 8 6 48x, ब्रैकेट में 14+x इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एरिया निकाल लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स फॉर्मेशन करेंगे इस फिगर के अंदर और उनका एरिया निकालेंगे। देखो ट्रायंगल के एरिया के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। अभी हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया था, अब हम यूज करेंगे सबसे कॉमन फॉर्मूला, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। समझो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, ऐसे इसकी शॉर्ट फिगर देखो। अब हम क्या करेंगे, इसके तीन ट्रायंगल बनाएंगे, एक ये नीचे वाला, एक ये बन जाएगा, मतलब 1 2 3, तीन ट्रायंगल बन गए। अब हम इन तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो बेस ये हो जाएगा 14 और हाइट क्या हो जाएगी, ये रेडियस। सिमिलरली इसके में भी हाइट 4 रहेगी, इसके में भी हाइट रेडियस जो है 4 रहेगी। बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने निकाला एओबी। लेट्स सी वेयर इज एओबी। एओबी एओबी मतलब ये ट्रायंगल जो इस पर 2 लिखा है मैंने, उसका एरिया मैंने निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्स प्लस 8, ये एक्स प्लस 8 आपको दिख रहा है, हाइट 4 है, कैंसिल करा, एरिया आ गया। अब हमने निकाला एरिया ऑफ बी ओ सी। दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज सी। हाफ इंटू बेस आ जाएगा आपका 6+8, 14, हाइट आ जाएगी 4। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 14 इंटू 4 आंसर आया 28, 2 से 2 कैंसिल, 14 टू 28, ठीक है जी। ट्रायंगल 3 का निकाला था, इधर से देखना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। ये हमने 2 का निकाला, ठीक है,
ये हमने थ्री का निकाला, अब हम निकालेंगे वन का। वन का हो गया COA, कौवा COA, ठीक है जी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका आ जाएगा 6 + x। अब हमने बेस इसको माना है, इस ट्रायंगल को, इस वाले को इसको बेस माना है, तो हाइट ये होगी, तो बेस आया आपका 6 + x इंटू हाइट होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 2 से 2 काटा, 2 6 + x आ जाएगा 2, ये बाहर आएगा ब्रैकेट के 6 + x एज इट इज, ठीक है। अब एक चीज मेरी ध्यान से समझना, क्या मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ पूरे ट्रायंगल का एरिया इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स के सम के बराबर होगा? कॉमन सेंस फिगर में दिख रहा है, इसका कोई रीजन नहीं है। समझो, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया छोटे वाले तीनों ट्रायंगल के बराबर होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल का एरिया आया था ये 48x ब्रैकेट में 14 + x, इसको डालेंगे रूट में, ये हमने डाला रूट में, ठीक है जी। और इधर लिखेंगे हम इन तीनों का सम, 28 + 2x + 8 + 2 6 + x, ठीक है। ये तीनों एरिया का सम ये है, और एक अकेले का ये है, बड़े वाला इज इक्वल टू छोटे वाले 3। ये चीज मैंने इधर कर दी, इस वाले स्टेप में कर दी। अब मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायर से रूट कट गया मेरा, तो खाली बचा 48x 14 + x, ठीक है जी। मैंने इसको सॉल्व करा, 2 × x 2x, 8 × 2 = 16, ब्रैकेट है ना ओपन करेंगे, 28 2 6 = 12, 2 × x 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, 2 + 2 = 4x, 16 + 12 + 28 = 56 का स्क्वायर, इतना मेरा आ गया, ठीक है। अब देखो फर्दर मैं क्या करूंगा, 48x को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर मेरा क्या आएगा, 480 और 14 कितना होता है, 32 + 11 = 592 x + 48x² = ये a plus b के होल स्क्वायर से खोल दूंगा, तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x² + 56 का स्क्वायर + 2 × 4x × 56, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंथी हो गया, मैं बताता हूँ। चलो भाई देखो, इधर कैलकुलेशन में आगे कर रहा था, क्या कहते हैं, x + 14 48x, ये इसका a plus b का होल स्क्वायर था, ये मैंने ओपन करा है, 56 + 4x का होल स्क्वायर था, ठीक है जी। तो ये 56 का स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करा मैंने मल्टीप्लाई करके, 48x² 48 × 16 = 672x = 56 का स्क्वायर 16x² + 2a, इसको सॉल्व करते आगे फर्दर, 48x² + 672x आ जाएगा, ये एज इट इज 16x², इसके ऊपर एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी रहे, ठीक है, इज इक्वल टू 16x², ठीक है, प्लस 3136 माइनस 440 प्लस 448x, देखो भाई, ठीक है, ध्यान से समझ लो, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज लिखा, 48 और 672 लिखा, इज इक्वल टू 16x² एज इट इज लिखा, 56 का स्क्वायर करेंगे तो 3136 आया, 2 4 8 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 442 आएगा, 448 आएगा, 448x लिख दिया, ठीक है। अब क्या करा मैंने, 16 प्लस में उधर ले जाके माइनस में कर दिया, 448 प्लस में उधर ले जाके माइनस में कर दिया, 3136 को एज इट इज इक्वल टू के उधर रहने दिया, ठीक है। 48 में से 16 गए 32, 672 में से 448 गए 224 इज इक्वल टू 3136, समझ में आया। मैंने माइनस करा, किस किस को माइनस करा, इसको इसको और इस इन दोनों को, ठीक है, माइनस करके ये इक्वेशन बन गई, ये इज इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा, माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो डी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, डी फॉर्मूला, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, इधर एक्स की पावर 0 है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो डी वाला फॉर्मूला लगेगा। उसको लगाने से पहले इस इक्वेशन को और शॉर्ट कर देता हूं मैं, ताकि तुम लोगों को आसान रहे, ठीक है जी। 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 5 10 2 6 12 2 8 16, फिर से काट दो, 4 4 16, 4 3 4 2 8 4 8 32, 4 3 12, 4 9 36, 4 2 8, ठीक है।
4 1 4 4 7 28 4 9 36 4 8 32, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 220 प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल रिड्यूस कर दी मैंने इक्वेशन, अब डी फॉर्मूला लगाएंगे मजा आएगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a नहीं है तो 1, c है माइनस 98, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस माइनस प्लस 9 को 4 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, d आ गया, ठीक है जी, d आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मेन x निकालना है, x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। b कितना है तुम्हारा 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट 441 डिवाइडेड बाय 2। अब दो बार सॉल्व करूंगा, एक बार माइनस 441 का रूट निकाल लेना 21 आता है, एक बार प्लस करा एक बार माइनस करा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 21 में से 7 गए तो कितना बचेगा तुम्हारा 14 बाय 2, 7 में से 21 माइनस माइनस प्लस होता तो 28 बाय 2, ठीक है। तो एक एक्स की वैल्यू तुम्हारी आई, इधर करता हूँ 7 कॉमा दूसरी आई माइनस 14। अच्छा देखो हम साइड निकाल रहे ना ट्रायंगल की, कभी भी माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, क्या अभी साइड माइनस में आएगी नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई तो x की जगह 7 डालो, इधर भी x की जगह 7 डालो। फाइंड क्या कर रहा था, AB, AB की वैल्यू कितनी है, AB is equal to x plus 8 है, तो 7 plus 8 ये आ गई 15। और क्या फाइंड कर रहा था, AC, AC की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे AC, AC x plus 6, x plus 6 यानी कि 7 plus 6 कितना आ गया 13, तो AC भी आ गया और AB भी आ गया, ये 15 आ गया ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, डी मेथड लगाया उसको याद रखना बहुत इजी है।